हेलो मिसेस काजल खन्ना जी। हाँ मैं इंस्पेक्टर सिद्धांत बोल रहा हूँ जी। बोलिए। अबे भवान जी के यहाँ से कुछ दस्तावेज और कागजात मिले हैं, हो सके तो आकर देख लीजिए। जी मैं अभी पहुँचती हूँ। हाँ कुछ मिला जी? नहीं इसमें तो अभी तक कुछ भी काम का नहीं। हाँ देखिए ये एक एल्बम है। इंस्पेक्टर क्या मैं ये फोटोग्राफ ले जा सकती हूँ? थैंक यू। यहाँ साइन कर दीजिए। ओके या थैंक यू। सब ठीक। मैं मदद कर दूँ माँ? नहीं तुम बस फ्रिज में से सब्जी निकाल कर ओवन में डाल देना। आपने डैडी से बात की? किस बारे में? वो मैंने आपको नीरज के लिए मेडिकल कैंप के बारे में बताया था ना। हाँ हाँ अरे वो मैं कैसे भूल सकती हूँ। वैसे तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है लेकिन वो कुछ जानकारी लेना चाहते थे। जैसे? जैसे कि वहाँ क्या क्या होने वाला है, कौन कौन से डॉक्टर्स आने वाले हैं, क्या क्या ट्रीटमेंट मिलने वाली है। बस ये तो मैं खुद जाकर पता लगा लूंगी ना मम्मी। फिर तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं होगी। थैंक यू मम्मी। आप तो खुश हो ना तुम? जी खुश तो आप भी बहुत लग रहे हैं। मैं क्यों ना खुश हूँ? आज इतने सालों के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा नीरज ठीक होने जा रहा है। और दूसरी बात कि मैं दादी बनने जा रही हूँ। आपको देखकर कोई नहीं कह सकता कि आप दादी बनने वाली हैं। अरे तीन तीन जवान बहुओं की सास हूँ मैं। लेकिन आपकी बहुएं आपके सामने फीकी पड़ती हैं। क्या हो गया तुम्हें? तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? काफी उम्र हो चुकी है मेरी। सच में मम्मी आप बहुत जवान लगती हैं। अब बस भी करो ना। अगर आप अभी ऐसी लगती हैं तो 10 साल पहले कैसी लगती होंगी, शादी के टाइम पे कैसी लगती होंगी? मुझे एल्बम दिखाइए ना। पता नहीं कहाँ रखी है, शायद स्टोर रूम में बक्से में पड़ी होगी। इतने सालों के बाद तुमने याद दिलाई, किसी दिन मिल जाएगी तो तुम्हें दिखाऊंगी। पक्का? पक्का।